तो दोस्तों मैं निकला हूँ 83 देख के, और मूवी बहुत बढ़िया है, पीछे भी चली रही है। सो मतलब हर एक इमोशन बहुत अच्छे से ट्रिगर करती है ये फिल्म आपका। अब मैं लोगों के रिएक्शंस के लिए रुका हूँ, देखते हैं कोई बाहर आता तो पूछता हूँ उनसे कैसी लगी, क्योंकि मुझे मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। डिटेल्ड रिव्यू मैं अभी करूँगा जाके, उससे पहले पब्लिक रिएक्शन एक बार ले लेते हैं अगर कोई बाहर आता है तो। भाई कैसी लगी मूवी? बढ़िया, सीटियाँ आप लोगों ने काफ़ी मारी, मैं सुन रहा था। आप भी थे? नहीं नहीं, ओके। कैसी लगी मूवी? बहुत बेस्ट मूवी लगी थी। आज ऐसा लगा 2011 को तो हमने वर्ल्ड कप जीत लिया था, वो तो हमने वैसे भी फेस किया था, बट आज ऐसा लगा 83 के अंदर भी हम थे। एग्जैक्टली मतलब मैंने भी यार पहला इस बार मतलब देख रहा हूँ मैं कि यार वाकई ये क्या वाइब होगी, उस टाइम पहली बार वर्ल्ड कप जीत रहा था इंडिया, सच में आज ऐसा लगा कि सच में हमने आज ही वर्ल्ड कप जीता है, ऐसा लगा। ये फीलिंग गूज बम्स थे। एग्जैक्टली बिल्कुल 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 बढ़िया बढ़िया। हाँ भाई कैसी लगी मूवी? बेस्ट स्पॉट मूवी है। बेस्ट बढ़िया, ओके। सो कपिल देव की बायोपिक भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि उनके नज़रिए से फिल्म को दिखाने की कोशिश की है। बाकी आप लोग देख सकते हो कि जनता किस तरह से अटैच्ड है फिल्म के साथ, एंड इट्स अमेजिंग टू वॉच 83's वर्ल्ड कप ऑन द बिग स्क्रीन। आई जस्ट लव्ड इट। तो गाइस पब्लिक रिएक्शन आपने देख ही लिया, और उससे पहले मैंने थिएटर के अंदर का भी एक छोटा सा क्लिप डाला है, शॉट डाला है। वैसे मैं पायरेसी भी बिलीव नहीं करता, लेकिन आज जो अंदर का माहौल था, जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि इस तरह से सीटियां बज रही थी, और हूटिंग मैंने बहुत टाइम बाद सुनी है, और ये हूटिंग हर शॉट पे, हर विकेट पे जब भी इंडिया ले रहा था वैसे बज रही थी। मतलब माहौल ऐसा था कि लिटरली मैं किसी स्टेडियम में बैठा हूं और मैं वर्ल्ड कप को देख रहा हूं। पूरी फिल्म ही एक वर्ल्ड कप के बारे में, पूरी फिल्म में ही क्रिकेट है, तो आपको ये लगेगा कि आपने कोई पूरा मैच या कोई पूरा टूर्नामेंट थिएटर में बैठ के देखा है, और इतनी क्लोजली। और मैंने 3D में मूवी देखी है, एंड 3D वाज सुपर, बहुत बढ़िया 3D था फिल्म का, मतलब ग्राफिक्स ने कमाल कर रखा था। तो दोस्तों 83 यहाँ पर स्टोरी को बिताने वाली है नहीं, हम सबको पता है कि 83 में क्या हुआ था, वर्ल्ड कप जीता था इंडिया पहली बार। लेकिन फिल्म में जो बारीकियों को पकड़ा गया है वो ये है कि 83 से पहले क्रिकेट जगत में इंडियन टीम का नाम मतलब कुछ खास इज्जत नहीं थी हमारी। इवन जब वर्ल्ड कप के लिए टीम वहाँ पर पहुँची इंग्लैंड के अंदर, तो वहाँ पर बस भी नहीं थी, ये भी यहाँ पर दिखाया गया। और फिर किस तरह से ताने सहने को मिलते थे लोगों के, लाइक सेमीफाइनल से पहले ही रिटर्न टिकट थी इंडिया टीम की, इंडियन टीम की पूरी वापस आने की इंडिया, क्योंकि सब श्योर थे कि ये लोग सेमीफाइनल तक खेल ही नहीं सकते, तो उससे पहले ही रिटर्न टिकट उनकी हो चुकी थी। तो इस तरह के मोमेंट्स हैं, और फिर किस तरह से इंडिया ने यू नो स्टेप बाय स्टेप अचीव किया हर मैच को, और फिर किस तरह से वो हारे भी, लेकिन फिर फाइनली वर्ल्ड कप लेकर आए। और जो इमोशन आपके अंदर आना चाहिए देशभक्ति का क्रिकेट को लेकर, वो सारे इमोशंस आपके सामने आते हैं, एंड यू विल फील प्राउड व्हेन यू लीव योर सीट आफ्टर यू आर डन विद द फिल्म। तो मतलब मुझे काफ़ी खुशी हुई। और इसके साथ ही, क्योंकि सिर्फ वर्ल्ड कप तो नहीं था, सिर्फ क्रिकेट तो नहीं थी फिल्म के अंदर, छोटे छोटे वाक्य लिए गए थे फिल्म के अंदर जिनसे मिलकर पूरी फिल्म बनी थी। लाइक हर मैच से पहले एक वाक्य था हर एक क्रिकेट प्लेयर का, जो भी इंडियन प्लेयर थे उनकी, फिर थोड़ी बैक स्टोरी भी दिखाई गई थी। तो मज़ा आने वाला है आपको काफ़ी ज़्यादा देखने में। फिर कहीं ना कहीं पर दंगे भी चल रहे हैं इंडिया के अंदर, उन दंगों को भी किस तरह से क्रिकेट ने ख़त्म किया, मुझे नहीं पता कि वो बात सच है या डायरेक्टर कबीर खान ने उसे स्टोरी में लिखा है, और अगर लिखा है तो ये बात काफ़ी बड़ी है, और ये बहुत अच्छा मैसेज है अगर ऐसा एक्चुअली नहीं हुआ था। और 1983 के बाद वर्ल्ड कप ने किस तरह से इंडिया के दर्जे को ऊंचा कर दिया, ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं आज, क्योंकि आज इंडियन क्रिकेट टीम वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट टीम्स इन द वर्ल्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत ज़्यादा साथी है आपको ये फिल्म, हालांकि उस लेवल पर जाकर कॉमेडी की गई है, लाइक 1983 में जिस तरह की कॉमेडी, ऐसी ही कॉमेडी होगी हल्की फुल्की उस टाइम पर, लेकिन फिर भी आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डबल मीनिंग बातों पर ही कॉमेडी आ सकती है, उस हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ भी आपको हंसाया जा सकता है, ये इस फिल्म में बखूबी बताया गया है। आई एम श्योर कि आपको 83 का वर्ल्ड कप ज़्यादा अच्छा लगेगा 2011 के। तो बहुत कुछ बोल चुका हूँ मैं। सो म्यूज़िक फिल्म का, डायरेक्शन फिल्म की कबीर खान की, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द फिल्म। डायरेक्शन की मैं बात कर रहा था, कबीर खान ने फिल्म को डायरेक्ट किया है, लेकिन इस फिल्म की डायरेक्शन बिल्कुल भी ईजी नहीं थी। लाइक कपिल देव ही लग रहे हैं, रणवीर सिंह बिल्कुल कपिल देव, और बाकी जो सारे एक्टर्स हैं वो वही प्लेयर्स लग रहे हैं अगर आप देखोगे तो। जो मेन प्लेयर्स लाइक वीव रिचर्ड्स को भी वैसे ही बनाया गया जैसे वो एक्चुअली थे। और 1983 के माहौल में आपको लेके जाना आज की डेट में काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये आपको ले गए हैं, लाइक ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ और वही सारा माहौल, उसी तरह से लॉर्ड्स दिखाना। सो टेक्निकली फिल्म काफ़ी टफ थी, जिसको काफ़ी इजी बनाया कबीर खान ने। थोड़ी सी लंबी है फिल्म, बट स्टिल आपका मन करता है कि फिल्म चलती ही जाए, चलती ही जाए। लिटरली मैं फिल्म दोबारा देख सकता हूँ, और मुझे लगता है कि आप भी जब देख के निकलोगे आपका भी यही रिएक्शन होगा। सो गाइस जितनी मर्जी तारीफ कर लूँ कम है। सो एज माई लास्ट वर्ड, जस्ट गो एंड वॉच 83 विद योर फैमिली, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कॉमेडी फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छी है, क्रिकेट लवर्स तो डोंट डेयर टू मिस द फिल्म।
और बाकी सभी जाइए देख कर आइए, यू विल लव दैट। एंड दैट्स ऑल फॉर 83। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के रिव्यूज़ के लिए, टीज़र ट्रेलर रिएक्शंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलूंगा जल्दी अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।